panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, shit to be in the van. Credit cards and scams, hitting the looks in the van. Alright guys, मैं आपको बहुत सस्ते और अफोर्डेबल चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आप अपने कमरे को इतना खूबसूरत कि आपकी सोच है. और जब आप सोचते हो ना कि यार आपको लगता है कि आपको किसी जगह में वाइब चाहिए, नहीं, दैट्स वेयर आई स्टैंड. और मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ कि जगह में वाइब नहीं है तो क्या हुआ, अपनी जगह में वाइब डाल दो. अपना कमरा आप लोग के सामने, आप लोग को हर चीज़ बताते हुए लाइटिंग करूँगा. और आप लोग को मैं ये दिखाना चाहूँगा कि लाइट करने से कमरे का या किसी भी चीज़ का कितना डिफरेंस आ जाता है. सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि भाई कमरे की हालत क्या है, क्या सिचुएशन है. आप सारे देख लें, दिस इज हाउ वी हैव द रूम. ठीक है, बस एक बेड है, हाइट टेबल है, लेफ्ट पे है, राइट पे है, मिडिल में बेड है, ऊपर ट्यूब लाइट है, व्हाटएवर लाइट है. एंड वी हैव अ कबर्ड, अलमारी यहाँ पर. ठीक है, ये स्टैंड रखा हुआ है क्लोथिंग का. एंड देन वी हैव लाइक लैपटॉप है, ये टीवी है, एंड दीज आर द कैमरा इक्विपमेंट एंड स्टफ. नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज लाइक, पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ. आपने बहुत यूजुअली एड्स वगैरह भी देखे होंगे, वो एक चीज़ है विच इज़ नोन एज द LED स्ट्रिप लाइट्स, LUXED.com. इंस्टाग्राम पे पेज है. दे आर वेरी ऑथेंटिक एंड ऑर्गेनिक इन टर्म्स ऑफ लाइक डिलीवरिंग एंड द प्रोडक्ट जो आप अचीव करना चाह रहे हो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको अच्छी चीज़ मिलेगी. आई गेस 1800 को लगा के देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कमरे को कैसे तुरंत बना सकते हैं. इंश्योर तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि आई एम गोना स्टार्ट टू यूज द फर्स्ट LED स्ट्रिप. ठीक है, बेड के बॉर्डर से. ऑलराइट, सो हम लोग ने सबसे पहले स्ट्रिप लाइट प्लेस कर दिया है बेड के ऊपर. ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड थिंग व्हिच इज द कबर्ड वार्डरोब. इस वार्डरोब के पीछे हम स्ट्रिप लाइट लगाएंगे. ठीक है, और इसका रिजल्ट भी देखेंगे कि कैसा लगता है. बट सबसे ज़्यादा जो कोशिश है ना, वो कोशिश है कि उन लाइट से अफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो वो अफेक्ट देखते हैं कि कैसा पड़ता है. वी अनदर स्ट्रिप लाइट, आई एम गोना स्टार्ट प्लेसिंग लाइक टीचर्स ने अलमारी सीटनी पड़ेगी. खैर मेहनत तो करना है लेकिन करना पड़ता है. सो मेरे ख्याल में ये सबने प्लेस कर दिया है इसको. सो दो स्ट्रिप लाइट्स थी वो आपके सामने यूटिलाइज हो चुकी है, वो यूज़ हो चुकी है. दो स्ट्रिप लाइट जो हमने प्लेस किए उसके बजट कितना लग गया है. LED मॉड्यूल्स, वो LED मॉड्यूल्स बेसिकली आपको मिल जाएंगे. तीन का पैक होता है, उसके अंदर चार लेयर्स होती है LED की शेप के अंदर. ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे अराउंड 600 to 700. जो एक लाइन से पैच मिलेगा आपको सिर्फ उसको किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी सर्विस पे चुपकाना है. सो नाउ आई एम गोना डू दैट विद माय बिहाइंड द टेलीविजन, टीवी के पीछे लगाते हैं और देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है. द फोर्थ थिंग दैट वी हैव इज LED फ्लोर लैम्प. वो किस तरह लगता है, वो इस तरह का लगता है. दिस इज लाइक L शेप का ही आता है. ठीक है, इसके दो स्टैंड होते हैं, यहाँ से होते हैं टू कीप द बैलेंस. और इसके पीछे वायर होती है, RGB कलर की वायर होती है जो आपको किसी पावर एक्सटेंशन से लगानी पड़ती है. एंड बेसिकली ये कोई इट्स लाइक कि इन्होंने एक स्टीरियो का लैम्प डिज़ाइन किया और उसके ऊपर है ना दो LED के स्ट्रिप्स के हिसाब से है ना पूरा चुपका के बनाया हुआ है. अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो दिस इज लाइक अराउंड 2500 to 3000. ये इतने का मुझे पड़ा था, 7000 बंद रहे. हाँ 3500 to 7000 रुपीज़ आपका बजट लग गया समझे इन चार चीज़ों को मंगवाने में. नाउ दिस इज द फिफ्थ थिंग
विच इज नोन एज LED क्लिप लाइट्स। ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको बिल्कुल दराज से मिल जाएगी। ये इतनी कोई कॉस्टली नहीं है, इट्स लाइक 400 टू 500 की ये आपको क्लिप लाइट्स मिलेगी। दीज आर लाइक 1, 2, 3 लाइक लिखा हुआ था बॉक्स के अंदर था ना, वो लिखा हुआ था कि 20 क्लिप लाइट्स होगी और एक दो एक्स्ट्रा होगी। सो वे आर गोना पुट दिस लाइट समवेयर अराउंड हियर। और फिर हमें एक और चीज़ भी करनी है, फायरवर्क्स। लाइट्स अच्छी लगेगी फायरवर्क्स के साथ। एनीवेज ये लाइट लगाते हैं। अच्छा, मैंने आप लोग को सारी चीज़ें लाइट्स के रिगार्डिंग बता दी है। एडिशनल टिप दे रहा हूँ, वो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बजट, बट एडिशनल टिप ये है कि फॉर एग्जांपल ये है ना, जैसे ये की फ्रेम है, ठीक है, ये भी मैं इन सारे माहौल के साथ एडजस्ट करके दिखाऊंगा और देखूंगा कि ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है और अच्छा लगता है कि लगता है। एंड देयर इज अनदर फ्रेम, ठीक है, ये भी हम लगा के देखेंगे कि इन लाइटों के साथ ये बैठेगा नहीं बैठेगा। और कुछ डेकोरेशन की पीसेज है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आई डोंट नो, अंदर फेरी वाली लाइट्स है बट खैर ये ग्लो करता है, जस्ट फॉर गिविंग मोर ग्लो फॉर यू गाइस इन द वीडियो। ये ऐसा डेकोरेशन पीस भी यूज हो सकता है। एंड द सेम गोज फॉर दिस साइफर टावर, ये ऑल्सो फ्लिकर करता है, इसकी लाइट ऑन होती है तो ये ऊपर नीचे जाता है, एंड इट ऑल्सो गिव्स अ रियली गुड इफेक्ट। तो एनी वेज विदाउट फर्दर डूइंग लंबी, लेट्स गेट टू द फाइनल लुक। सो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आप लोग को जितने सस्ता और अच्छी वेरिएशन वाली ट्रिम यूज़ करते हुए आप लोग अपने कमरे को कैसे और खूबसूरत लाइट अप कर सकते थे। टोटल हमारे 5 आइटम्स थे, विच इज़ ऑलरेडी आई मेंशन टू यू गाइस, और उन सिर्फ इन 5 चीज़ों से आपके पूरे कमरे की वाइब और पूरे कमरे की मूड कैसे चेंज हो गया ये आप लोग के सामने नज़र आ रहा होगा। दिस थिंग जो मैंने करने की कोशिश की है, अगर इसने आपको somehow हेल्प की है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग कमेंट करके बताएं, एंड यू गाइज कैन गिव योर मोर सजेशंस रिगार्डिंग दिस। सो इट्स फॉर टुडे, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ये बात बोलता नहीं हूँ लेकिन अब मुझे लगता है मुझे बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। सब अपना ख्याल रखना। दिस वॉज जिब्रान सफदर साइनिंग आउट। बहुत लंबी करता हूँ मैं। भाई नाम में कुछ नहीं होता, सिर्फ काम में होता है।